हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे सेहत से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और सुबह सुबह ये आवाज आप बहुत दिन बाद सुन रहे होंगे मुझसे, तो चलिए रहा नहीं गया मुझसे, मैंने सोचा कुछ करंट अफेयर्स पढ़ा देते हैं आपको। तो सुबह सुबह आपके बीच में लेकर आ गया हूँ 8-9 न्यूज है करंट अफेयर्स की, महत्वपूर्ण खबरें थी तो वो लेकर आपके बीच में आए। कम समय के अंदर पूरा पढ़ लेंगे हम, करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे और 20 तारीख को जब मेरी क्लास आपके बीच में लाइव आएगी तो तैयार रहना, आपके सामने सारे करंट अफेयर्स खोल के रखूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा उनका। अभी केवल करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, विराट कोहली अभी हाल ही में 50वां सेंचुरी लगा चुके हैं अपना। मैंने आपको कहा दोस्तों कि सेमीफाइनल मैच आपने देखा होगा, कल फाइनल मैच आने वाला, तैयार रहना उसके लिए। और 279 पारी के अंदर इन्होंने आपके ये 50 सेंचुरी लगाई है और ऐसा करने वाले इस ग्रह के पहले प्राणी विराट कोहली बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले सचिन साहब ने 49 सेंचुरी लगाई थी, पर अब जो है विराट कोहली जो है वो 50 सेंचुरी कर चुके हैं पूरी अपनी। तो विराट कोहली पहले भारतीय नहीं, पहले व्यक्ति बन चुके हैं 50 सेंचुरी लगाने वाले। 279 पारी, बहुत कम पारियों के अंदर जो है उन्होंने ये एक मुकाम हासिल कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और है कि एक वर्ल्ड कप के अंदर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। इससे पहले सचिन के नाम रिकॉर्ड था, अब ये रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम हो चुका है, ठीक है। तो पहली न्यूज आपके सामने। दूसरी है प्रधानमंत्री पीवीटीजी योजना जो है अभी दोस्तों हाल ही में स्टार्ट हुई है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी योजना। एक बार रसगुल्ला सवाल पूछा गया आपके, पीवीटीजी का मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, तो विशेष रूप से कमजोर अपसो वल्नरेबल जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स, आपके जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है आपके, वो होती पीवीटीजी, है ना। ढेबर दोस्तों, ढेबर आयोग तो सवाल यूपीएससी में आया था, किस आयोग की सिफारिश पर पीवीटीजी डिसाइड होता है आपके। ढेबर आयोग जो है 1973 में बना था, उसकी सिफारिश पर आपके पीवीटीजी ग्रुप जो डिवाइड होते हैं जनजातीय समूह, उसमें भी सबसे कमजोर आपके समूह, आपके मतलब ऐसा समूह जो आपके पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होता है, आपके प्रकृति से नजदीक होता है आपके, उसे बोलते हैं पीवीटीजी ग्रुप आपके। इसको बोलते हैं आपके विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ऐसे 75 आपके ग्रुप जो है पूरे इंडिया के अंदर आपके ढेबर आयोग ने 1973 में पीवीटीजी दोस्तों इसको अलग से क्लासिफाई किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में पीएम साहब ने पीएम पीवीटीजी योजना स्टार्ट की है 15 नवंबर को स्टार्ट होती है ना, क्योंकि दोस्तों 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस है, बिरसा मुंडा जी का जन्मदिवस है, इस दिन दोस्तों जनजाति गौरव दिवस बनाते हैं हम, इसलिए इस तारीख को ये योजना स्टार्ट हो रही है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खूंटी झारखंड दौरे पर थे प्रधानमंत्री साहब, वहां से खूंटी जो स्थान है झारखंड में, वहां से योजना स्टार्ट होती है दोस्तों। आपके जो शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सड़क, बिजली, जो भी दोस्तों बुनियादी सुविधाएं होती है उनके लिए स्टार्ट होती है पीवीटीजी योजना, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है एक मिशन आपके, 26 जनवरी तक चलने वाला मिशन होगा, इसका नाम क्या है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो स्टार्ट हुई है, तो 15 नवंबर से स्टार्ट होगी और स्टार्ट हो चुकी है, 26 जनवरी 2024 तक चलने वाला है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका नाम दिया है। तो पीवीटीजी योजना पूछे आपसे, 15 नवंबर को स्टार्ट हो चुकी है आपके, खूंटी झारखंड से स्टार्ट हुई है, बिरसा मुंडा जी का हैप्पी बर्थडे है। और यहाँ से लिख लीजिएगा ढेबर जो आयोग है आपकी, इसकी सिफारिश पर 1973 से आपके जो पीवीटीजी ग्रुप पर डिसाइड हुआ था, 75 ग्रुप ऐसे हैं जो डिसाइड हुए थे, ठीक है। आगे देखिएगा, टेनिस का जो कप है आपके, इसका नाम क्या है, बिली जीन किंग कप आपके, इसका नाम है बिली जीन किंग कप नाम इसका। अभी दोस्तों हाल ही में स्पेन में हुआ है, अभी से स्पेन में हुआ है आपके, कनाडा रसगुल्ला जीत गया दोस्तों इसको पहली बार ही, दसो इटली इसको हार गया। तीन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पहली बात तो बिली जीन किंग कप संबंधित है टेनिस से आपके, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड दोस्तों, पहली बार आपके कनाडा जीता है इसको, इटली हारा इसको, स्पेन के अंदर ये आयोजित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले से मित्र शक्ति स्व अभ्यास आपके पूछूं आपसे, नवा दोस्तों अभ्यास था ये, अभी हाल ही में आयोजित हुआ है ओंद पुणे महाराष्ट्र, पुणे के अंदर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ आपके, भारत श्रीलंका। मित्र शक्ति पूछूं आपसे, भारत श्रीलंका के बीच है श्रीनेक्स और मित्र शक्ति दोनों आपके भारत श्रीलंका बीच में, और मराठा रेजिमेंट से इसने आपके इसमें हमारी तरफ से नेतृत्व किया, पूछे आपसे तो नवा नंबर है पुणे के अंदर आयोजित हुआ है, भारत श्रीलंका के मध्य हुआ है, मराठा रेजिमेंट इसमें आपके हमारा जो है नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नवा दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित हुआ, ये भी तो नवा ही आपके फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आपके भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित हुआ है, नवा नंबर का है
फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आयोजन, यही दोस्तों आपके सूरज कुंड मेला यहीं पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों आदि महाराज सरकार ने लता दीनानाथ सुलता मंगेशकर पुरस्कार 2023 अभी दोस्तों हाल ही में म्यूजिक इंडस्ट्री के क्षेत्र में अवार्ड प्रदान किया, महाराज ने किया। नाम क्या है? लता मंगेशकर पुरस्कार नाम दोस्तों इसका महाराज सरकार ने किया है। सुरेश वाडकर, अभी दोस्तों हाल ही में सुरेश वाडकर जो इनको अवार्ड मिला सो, और म्यूजिक तो इंडस्ट्री से मिला है सुरेश वाडकर, म्यूजिक कंपोजर आपके मेहंदी फिल्म तो राम त्रिगंगा मेली हो गई, उस फिल्म का जो म्यूजिक कंपोज किया था वो उन्होंने किया सुरेश वाडकर साहब ने। इन्हें अभी हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार जो प्रदान किया गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शिलक्यारा सुरंग पूछूं आपसे, उत्तराखंड दोस्तों यहां पर है। अभी दोस्तों हाल ही में हादसा हो गया था आपके, 40 श्रमिक 40 मजदूर यहां फंसे हुए हैं, अभी भी सो फंसे हुए हैं यहां पर, भोजन पानी आपके ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है पर अभी तक दोस्तों बाहर नहीं आ पाए आपके शिलक्यारा सुरंग से। कभी पूछ रहे हैं आपसे कि अभी हाल ही में चर्चित है शिलक्यारा सुरंग सो उत्तराखंड उत्तराकाशी के अंदर स्थित है। इसके अलावा सो अभी दोस्तों हाल ही में चक्रवाती तूफान जो साइक्लोनिक आपके स्टॉर्म आया, इसका नाम सो इसका नाम मिथिली, इसका नाम है मिथिली, इसका नाम है। अगर पूछो दोस्तों नाम सो, नाम दोस्तों मालदीव, मालदीव ने इसका नाम दिया सो, मालदीव ने इसको नाम दिया है, बंगाल की खाड़ी के अंदर आया है सो, बंगाल खाड़ी के जो देश है आपके जैसे बांग्लादेश है सो, भारत है उसको प्रभावित करेगा आपके, तो मिथिली है नाम इसका, चक्रवाती तूफान है बंगाल की खाड़ी के अंदर अभी हाल ही में आया, ठीक है। एक दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में हमने एक सो आपके AWS बनाया है, एंटी सबमरीन वॉरशिप ASW बनाया सो, ASW का मतलब एंटी सबमरीन वॉरशिप नाम है इसका, पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान सुनाम है इसका, अमीनी इसका सुनाम दिया है, ये सो फोर्थ नंबर का है आपके पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान तो फोर्थ नंबर का है। अगर दोस्तों आपको याद सो अर्नाला दोस्तों हमारा फर्स्ट था आपके, फर्स्ट ASW अर्नाला था आपका, दो चेन्नई से हमने उसको लॉन्च किया, इसको दोस्तों हमने कटुपल्ली जो भी तमिलनाडु के अंदर चेन्नई के पास में स्थान है वहां से हमने इसको लॉन्च किया है। और दोस्तों यह है दोस्तों नाम आपके लक्षद्वीप का एक द्वीप है वहां से नाम आया अमीनी, आप सुनो लक्षद्वीप, सो लक्षद्वीप का आपके आईलैंड है अमीनी इसका नाम है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये सारी न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। बाकी दोस्तों जब हम लाइव क्लास के अंदर मिलेंगे 20 तारीख को तो वहां मैं आपको फिर से पूरी डिटेल्स के अंदर पढ़ाऊंगा ये सारी न्यूज। अभी मैंने आपके लिए केवल आपका दिन जो है वो शुरुआत अगर मुझसे होती है तो शुरुआत मुझसे ही हो इसके लिए मैंने पढ़ाया आपको। और मोहम्मद समी दोस्तों वो लाइन याद कीजिए, तो जितना टूटता है वो उतना ही तोड़ता है, मोहम्मद समी उदाहरण आपके सामने सो, मतलब सुसाइड तक की नौबत पर पहुंच गए थे, किसी ने साथ नहीं दिया, आज देखिए सो भारत के लिए मैच विनर बन चुके हैं मोहम्मद समी जो है, जो इतना टूटता है जितना तपता है दोस्तों उतना निखर के सामने आता है। आपको तपना है बस, टूटना नहीं है बिखरना नहीं है, आपको तपना है लगातार और सूरज की तरह आपको निखरना है। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा और छठ पर्व की आप सभी को शुभकामना मेरी तरफ से उत्कर्ष परिवार की ओर से। बाकी अगर प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो मैं 20 तारीख तक और आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा यहीं पर आपके सामने। ध्यान रखना कैसी लगी क्लास मुझे बताना आप सभी, क्लास छोटी है पर असरदारक होगी एग्जाम में, अगर ये सवाल एग्जाम्स में पूछेगा तो आपको पक्का याद रहेगा कि कुमार गौरव ने एक पैर पर खड़े होकर आपको ये क्लास पढ़ाई थी, है ना। तो PMPBT की योजना खूंटी झारखंड से स्टार्ट होगी, ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण योजना आपके ढेवर आयोग भी आपको ध्यान रखना है। जय हिंद, थैंक यू।